अब किसी भी पेट्रोल स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलवाएं, लगेंगे सिर्फ इतने रुपए। राइड शेयरिंग की सेवाएं देने वाली स्टार्टअप कंपनी बाउंस ने ऐसी स्कीम शुरू की है जिसमें किसी भी पुराने इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल वाले स्कूटर में रेट्रोफिट किट लगाकर उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल दिया जाता है। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर की धूम है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक से एक नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। इसी बीच बेंगलुरु की कुछ स्टार्टअप कंपनियों ने पेट्रोल से चलने वाले किसी भी पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल देने की अनूठी पहल शुरू की है। इसके लिए रकम भी कोई ज़्यादा नहीं लग रही है। यही नहीं, एक कंपनी तो हाइब्रिड स्कूटर भी बनाकर दे रही है। बेंगलुरु में राइड शेयरिंग की सेवाएं देने वाली स्टार्टअप कंपनी बाउंस ने ऐसी ही स्कीम शुरू की है। कंपनी किसी भी पुराने इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल वाले स्कूटर में इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी लगाकर उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल देती है। इसके लिए कंपनी सिर्फ 20,000 रुपये चार्ज करती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पुराने स्कूटर में एक रेट्रोफिट किट लगाती है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी होती है। बाउंस को फाउंडर विवेकानंद हल्लेकेरे ने बताया कि कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुराने परंपरागत स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलना शुरू किया था, लेकिन जल्दी ही यह आभास हो गया है कि यह तो बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता है। हालांकि बाउंस के बाद अब कई कंपनियां ऐसी किट लेकर आई हैं जिनमें एट्रियो और मेलाडेट ऑटो कंपोनेंट शामिल है। गौरतलब है कि पेट्रोल देश के कई शहरों में 100 रुपये लीटर को पार कर गया है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ अब बहुत से लोग मुड़ रहे हैं। हाल ही में ओला, हीरो, सिंपल एनर्जी जैसी कई कंपनियों ने बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई बेहतरीन मॉडल उतारे हैं। बाउंस अब तक 1,000 से ज़्यादा पुराने स्कूटर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल चुकी है। हल्लेकेरे ने बताया कि इस कंपनी ने स्कूटर ओनर्स के लिए सर्विस सेंटर भी खोल रही है। इस स्कूटर में जो बैटरी किट आती है उससे एक बार फुल चार्ज करने पर स्कूटर 65 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यह किट ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित है। मेलाडेट तो ऐसी इजी हाइब्रिड किट उतारने की तैयारी कर रही है जिससे किसी भी पुराने पेट्रोल स्कूटर को आसानी से इलेक्ट्रिक हाइब्रिड स्कूटर में बदला जा सकता है। यानी इस स्कूटर को ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल या इलेक्ट्रिक किसी भी मोड में चलाया जा सकता है, लेकिन मेलाडेट इस कन्वर्जन के लिए 40,000 रुपये कीमत वसूलेगी। तो फ्रेंड्स, क्या ख्याल है आपका इस स्कीम के ऊपर? अगर आप भी अपने पेट्रोल स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।